वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो आज की क्लास में बहुत ही important टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन यूनिट हमारा चल रहा है और इस पूरे यूनिट के अंदर आज के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जो important क्वेश्चन की लिस्ट आपके साथ पे जो मैं शेयर करने वाला हूँ उसमें मैं इस क्वेश्चन को रखूंगा क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर वेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इज उजेंड करोड़ एंड द एम द एस्टिमेट इन इनियम लेवल ऑफ इनकम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो आपको जो है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी आपको बताना है एंड ऑल्सो एस्टिमेट द चेंज इन इक्म लेवल ऑफ इनकम कि हमारे इनकम में कितना गुणा से परिवर्तन आएगा तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यहां पर यह पूछ रहा है कि मल्टीप्लायर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है एक एग्जाम्पल से आपको बताना है तो एग्जाम्पल भी आपको यहां पर खुद ही बने की एक हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी के अंदर और जीरो पॉइंट फाइव हमारा जो है, है। तो मार्जिन में कितना हमारा चेंज आ जाएगा और हमारा जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा तो सबसे पहले आप समझिएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है मैं इसी क्वेश्चन के आंसर में चीजें ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर नाइन के आंसर में ले रहा हूं मैं ठीक है बच्चे मान लीजिए कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक होता है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन क्लियर है तो सबसे पहले यहां पर आपका जो है एक कंजम्पशन जो होता है बेसिकली हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो भी आप अपने कंजम्पशन पर एक्सपेंस करते हैं आज मॉर्निंग का टाइम है सुबह सुबह जो भी आप लेकर के आए अपने कंजम्पशन के लिए जो भी आपने उस पर एक्सपेंस करा वो किसी की इनकम बनी तो एक बात तो क्लियर ऑलरेडी है कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है ये ही हमारे नेशन में किसी की इनकम बनता है क्या बनता है ये ये किसी की जाकर के ये इनकम बन जाता है क्लियर है तो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया तो ये हम का कितना कंजम्पशन करेंगे हम एक इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन करते हैं ये किस चीजों पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है एमपीसी पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि हमें गिवन है क्या जीरो पॉइंट फाइव हमें गिवन है क्योंकि हम कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं ना इकोनॉमी का एक नेचर समझने की कोशिश करते हैं हम कैसे समझते हैं कि इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हुआ डिवाइडेड बाय हमारा कितने इनकम इकोनॉमी की रही तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम ये बताता है कि इनकम का कितना पोर्शन हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उस के एस्टिमेशन के लिए हम एम लेके चलते हैं एमपीसी से पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी में इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन पर चला जाता है तो इसका मतलब जीरो अगर आप बेसिकली देखा जाए मोटा मोटा तो यहां पर आप इस बात को आप ये भी समझ सकते हैं कि इनकम का आधा कंजम्पशन पे ट्रांसफर हो जाता है नहीं तो आप इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्या कि आप जो हैं इनकम में से पचास परसेंट इनकम का फिफ्टी परसेंट आप कहा डाल देते हैं आप अपने कंजम्पशन पे डाल देते हैं क्लियर है तो आइए सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं नंबर ऑफ राउंड की भाई यहां पर आपसे बात करूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ राउंड फर्स्ट और मैं यहां पर बात करूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की एक क्योंकि बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग की तो हां जी तो यहीं पर लिख लेते हैं ध्यान से समझते आइएगा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको कुछ बहुत टिपिकल चीज है नहीं ये कलर दिखेगा नहीं आपको हाँ जी इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूं तो नंबर ऑफ राउंड की अगर मैं बात करूं तो चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं यार थोड़ा सा ज्यादा कंजस्टेड हो गया है उसको ठा करके लेके जाते हैं इधर इन्वेस्टमेंट को लेकर के आते हैं थोड़ा इधर करते हैं बड़ा रा और नंबर ऑफ राउंड को लेकर आते हैं इधर थोड़ा सा ये भी करते हैं बड़ा हाँ जी तो नंबर ऑफ राउंड फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आप इस बात को समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा इसको कहते हैं, भी. क्योंकि एक क्या होती है और आई इक्वल टू एस उसमें क्यों होता है ये बातें चर्चा हो चुकी है चलिए बात करते हैं अब हम किस चीज की सबसे पहले राउंड वन लेते हैं फर्स्ट राउंड क्या हुआ राउंड वन में आपने इन्वेस्टमेंट करा सबसे पहले अपनी इकोनॉमी के अंदर एक हजार करोड़ का क्लियर है जी अब एक हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा तो इस एक हजार करोड़ में क्या हुआ आपका जो कंजम्पशन करने का जो आपका तरीका है वो पचास परसेंट आप कंजन पे डाल देते हैं तो सबसे पहले राउंड में तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि एक करोड़ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करा तो चाहे वो आप फ्लाईओवर बनवा रही हो चाहे वो कोई डैम बना रही हो या कुछ भी काम कर रही हो एक करोड़ गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्ट करा तो कहीं ना कहीं पेमेंट की है लोगों की चाहे वो किसी कारखाने में चीजें बन रही थी वहां पेमेंट हुई चाहे मजदूरों को पेमेंट हुई चाहे सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट हुई तनख्वाह वगैरह में गया है तो सबसे पहले तो इनकम के तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर कर, इनकम के तौर पर सबसे पहले तो एक हजार करोड़ की इनकम जनरेट होगी ये तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा लोगों के पॉकेट में एक करोड़ आ गया लोगों की इनकम एक करोड़ हो गई लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है कि सरकार ने एक करोड़ इन्वेस्ट कर दिया अगर फ्लाईओवर बनाने पर ही इन्वेस्ट करा है तो वहां पर जितने भी इंजीनियर मजदूर जो काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह सरकार ने दी ही है प्लस पे जो रो मटेरियल वहां पर आया है उस मेटेरियल में भी सरकार ने उसको खरीदने में पैसा खर्च करा हुआ है तो जो फैक्ट्री में भी पेमेंट गई है वहां जो मजदूर काम करते हैं वहां पर भी ये पेमेंट पीछे ट्रांसफर हुई है तो एक हजार करोड़ की कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी तो बनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हज़ार करोड़ इन्वेस्टमेंट करा हज़ार रुपये लोगों की आमदनी बन गई बात खत्म नहीं ये हजार करोड़ किस तरीके से ये इनकम को जनरेट करते चली जाएगी इकोनॉमी के अंदर लोगों की इनकम बनाते चली जाएगी क्लियर है तो उस बात को हम समझते हैं तो ये हजार करोड़ इस तरीके से कंजन एक्सपेंडिचर हुआ अब यहां पर इनकम लोगों की हो गई अब राउंड टू पर मैं आता हूं लोगों के इनकम हो गई लेकिन आप इस बात को जरा समझने की आप यहां पर कोशिश करें कि लोगों की इनकम यहां पर हजार रुपए हो गई और सेकेंड लोग क्या करेंगे क्योंकि उसमें से जो है इनका पचास परसेंट अगर वो कंजम्पशन कर लेते हैं समझिएगा इस चीज को अगर मैं इसको इधर इधर करूं कोई दिक्कत नहीं तो एमपीएस क्या है देख सकता हूं मैं कोई दिक्कत नहीं एमपीएस क्या होगा आपको पता है एमपीएस की वैल्यू क्या होगी एमपीएस इक्वल्स टू वन माइनस एमपीसी होता है ना तो जीरो पॉइंट फाइव होगा ये बताता है लोगों की सेविंग करने का नेचर कैसा है तो यहां पर सबसे पहले हजार इनकम होगी तो लोगों ने कितना बचा लिया लोगों ने पांच सौ रुपए से वो बचा लेंगे पता जीरो पॉइंट फाइव कहां से आया क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू वन होता है और अगर आप वन में से एमपीसी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको एमपीएस आ जाता है और एमपीएस बताता है कि आप अपने इनकम का कितना परसेंट सेविंग कर रहे हैं आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इनकम कितना परसेंट सेविंग कर रहे हैं तो आप इसको एम पी एस इक्वल सकते हो गया एमपीसी कंजम्पशन कितना होगा पांच सौ कंजन होगा हजार में से पांच सौ सेविंग में चला गया अब बाकी रेस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड क्या हो जाएगा कंजम्पशन में आ जाएगा तो सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं पांच सौ रुपए सेविंग में चला 500 किस में आ गया खैर और पांच सौ रुपए का जो कंजम्पशन हुआ ये किसी की या नहीं बनेगी बन तो कंजम्पशन करा ना तो जब कंजम्पशन करा तो उन्होंने भी तो किसी की इनकम दी सरकारों ने उसकी इनकम दी तो उन्होंने कंजम्पशन करा तो उन्होंने भी किसी की आय बना दी तो उन्होंने पांच सौ बचा लिए तो आय कितनी बनाई उन्होंने पांच सौ रुपए इसकी जो है आय बना दी क्लियर है जी बात समझे और यहां पर अगर मैं एमपीसी जीरो पॉइंट करता हूं फाइव की तो सबसे पहले और रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा आपका रेस्ट ऑफ आपका टू फिफ्टी आपका सेविंग चला जाएगा अब ढाई सौ कंजेंशन करा तो ढाई सौ फिर से क्या हो गया वो दोबारा राउंड थ्री में किसी की इनकम बन जाएगी बात समझे और इसमें से फिर से अगर आपका 50% कंजम्पशन हो गया तो 125 कंजम्पशन हो गया 125 आपकी सेविंग हो गई अब 125 कंजम्पशन जब करा दोबारा किसी की वो इनकम बन गई कितनी 125 और इसमें से फिर से 50% कंजम्पशन कर दिया सरकार ने तो कितना हो गया आपके पास में 62 62.5 एंड 62.5 तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा ये प्रोसेस आपका कब तक चलेगा ये प्रोसेस आपका जब तक चलता रहेगा जब तक कि जब तक कि आपका ये सारा का सारा जो पैसा है धीरे धीरे सेविंग में जाता जा रहा है ये आपका यहां ये कम होता जा रहा है तब तो तक ये सारा का सारा आप अब, अब कितना बचे सिक्सटी टू पॉइंट फाइव आपका यहां पर आ जाएगा राउंड फोर की बात करूं अगर मैं तो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव आ जाएगा तो ये सारा पैसा धीरे धीरे कहां चला जाएगा आपका ये आपका सेविंग होता चला जाएगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कंजन कम होता जाएगा और आपकी सेविंग कहां पहुंच जाएगी आपकी सेविंग जितना इन्वेस्टमेंट हुआ ना इकोनॉमी में हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, हुआ तो हजार करोड़ आपकी क्या हो जाएगी हजार करोड़ आपकी पूरी की पूरी सेविंग में ट्रांसफर हो जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि पहले हजार में से पांच सौ सेविंग में गया पांच सौ कंजप्शन किसी की इनकम बनी उसमें से ढाई सौ सेविंग गया ढाई सौ कंजन कर लिया एमपीसी से फिर ढाई सौ सेविंग में गई फिर ढाई सौ पे फिर उसमें से पचास परसेंट तो इस तरीके से कंजम्पशन होता जा रहा है लोग इनकम होती चली जा रही है सेविंग में पैसा चलता जा रहा है और एक टाइम इकोनॉमी में ऐसा आएगा जहां पर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहा चला जाएगा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सेविंग में चला जाएगा और लोगों की इनकम कई गुना ज्यादा हो चुकी होगी तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अगर आप देखते हैं ये बात समझ में आपको आई या नहीं है क्लियर है तो आप एक काम कर सकते हैं यहां पर अगर आप यहां देखना चाहते हैं कि इनकम में कितना चेंज आएगा इनकम में कितना चेंज आएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इससे इनकम में कितना चेंज आएगा डेल्टा वाई आप इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आप एमपीएस कर सकते हैं तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है एक हजार और एमपीएस कितना है? जीरो पॉइंट बात समझे क्लियर है जी जीरो पॉइंट फाइव तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया दो हजार तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपकी इनकम कितनी जनरेट होगी दो और आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो गया

अगर एक हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए और जहां पर कंट्री का नेचर पचास परसेंट कंजम्पशन करने का हो उस स्थिति में दो हजार करोड़ के लोगों की आमदनी देखने को मिलेगी दो हजार करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाएगा तो हमें पहले ही एज अ गवर्नमेंट हमें पहले ही पता होता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कि कितना इनकम बढ़ाएं यह बात हमें पहले ही मालूम होती है क्लियर है मेरी बात समझे कोई डाउट किसी बच्चे को क्योंकि आपको वैल्यू का फॉर्मूलट रखा है, है, है तो यहां पर आपको इस बात को अच्छे से समझ समझा रखा है एमपीसी जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ही अधिक होगा यह बात समझ में आपको आया नहीं बताइए तो इसी चीज को यह कह रहा है क्या

इन्वेस्टेड इन इकोनॉमी दैन द इनकम ऑफ पीपल विल गो अप्रेड करोड़ अगर हंड्रेड करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया तो लोगों की इनकम कितनी बनी हंड्रेड करोड़ इफ एम पी सी इज जीरो मतलब कुछ कंजम्शन नहीं करते पीपल विल स्पेंड अच्छा जीरो गलत यहां कुछ मिस्टेक हो गया इफ एम पी सी इज जीरो पॉइंट फाइव पीपल विल स्पेंड फाइव हंड्रेड करोड़ कैसे निकला थाउजेंड मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर बोथ इनकम एंड प्रोडक्शन विद इंक्रीज टिल चेंज इन द इनकम बिकम्स इक्वल टू चेंज इन सेविंग क्लियर है जब तो चीजें नहीं होती कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज आया वो सारा सेविंग में नीचे जाता है एवरी राउंड ऑफ एक्सपेंडिचर जनरेट इनकम एंड एडिंग इनकम जनरेट इज एच राउंड ऑफ द एक्सपेंडिचर वी कैन ड्राइव द टोटल इनकम तो इस तरीके से करते 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 टिल टू थाउजेंड रुपीज आपका इनकम हो जाएगा तो यही हमारा क्या है यही हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है अब दस फ्रॉम द अब इन्फॉर्मेशन इज क्लियर द एम पीसी मेजर रोल टू इन डिटर्मिनेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एम पी सी एंड के शेयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिपी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इफ एम पी सी इज हायर दैल्यू ऑफ के बिल ऑल्सो बी हायर ऑन द अदर हैंड एम पी सी लो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिल ऑल्सो लो वेन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर जाने की जरूरत नहीं है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ये आप लिख सकते बस ये लिख दीजिए ये कैसे आएगा ये अपना एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैं बताऊंगा वही हमने करा ना एक बटा दो जैसे कि पहले राउंड में क्या हुआ हजार का एक बटा दो कंजमशन पे चला गया पांच सौ अगले राउंड में क्या हुआ उस पांच सौ का भी एक बड़ा दो गया ढाई सौ तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो हजार का पांच सौ फिर उसका भी एक बड़ा दो, तो इसको एक की एक बड़ा दो की पावर आप दो लिख सकते हो तो वही तो कहते हैं हजार एक बड़ा दो फिर हजार गया, फिर इसके पावर दो गया फिर इसका पावर तीन गया टिल टू थाउजेंड तक आपकी इनकम चला जाएगा वही बात की कहने की कोशिश कर रहा है लिखना चाहते तो लिख सकते हो बट नीट नहीं है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपके पास में क्या है

हायर इज द वैल्यू ऑफ एम हायर इज द वैल्यू ऑफ के एंड 0.75, K सी जीरो पॉइंट फाइव के दिखाना है आपको क्लियर है कैसे? क्लियर है? MPC क्या आपके हमारे पास में इफ एम पी सी जीरो पॉइंट फाइव 0.5 एम पी सी जीरो पॉइंट फाइव 2. टू ये सब चीजें करके दिखाना है आपको बात समझे तो मल्टीप्लायर इज क्या जाएगा टू यहां पे करके दिखाए ना आपको सॉल्व करके टू अगर एमपीसी तो पी जीरो पॉइंट सेवन फाइव है तो के की वैल्यू फोर जीरो नॉट इनफिनिटी जीरो पॉइंट एट है तो मल्टीप्लायर और ये तो ये सारे सॉल्व करके दिखाने पेपर में आया हुआ सवाल है बेसिक सवाल है आपका ये आगे वर्ड विल बी द चेंज इन इनकम इफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट बढ़िया सवाल है प्यारा सवाल है ठीक है, इसको तो खैर चुटकी बजा करके हम खत्म कर सकते हैं सवाल को लेकिन अगर समझ हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं समझ डालने के लिए तो क्लासेस ले रहे हैं है ना? देखिएगा पहला सवाल क्या है वट द चेंज इन इनकम इफ द इन्वेस्टमेंट इज वन थाउजेंड करोड़ एंड एमपीसी इज दिस एमपीसी दिया हुआ है चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है चेंज इन इनकम पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है ठीक है जी क्लियर है क्रॉप का ऑप्शन यार कहीं तो होना चाहिए क्रॉप क्या कर हाँ जी ये सवाल है आपका ठीक है देखिए वट विल बी द चेंज इन इनकम इफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज डेल्टा आई इक्वल्स टू वन थाउजेंड करोड़ एंड एम पी सी थ्री बाय फोर जिसको हम क्या बोल सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव क्लियर है जी तो ऐसी सिचुएशन में जब MPC दे दे और चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे के की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो के की वैल्यू क्या होती है के इक्वल्स टू फार्मूला वन अपॉन वन माइनस एम पी सी देन के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव वन अपॉन जीरो पॉइंट टू फाइव एंड इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप तो आपका रिजल्ट आएगा फोर के की वैल्यू फोर है अब के का अपना एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखेंगे जो कि सबसे पहले आपने सीखा स्टैंडर्ड फार्मूला डेल्टा डेल्टा अपॉन ठीक है अब के क्या आपका Four है डेल्टा वाई आपसे पूछ रहा है डेल्टा आई क्या है आपका वन थाउजेंड करोड़ है तो आप बताइए जरा डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी चार हजार करोड़ आएगी तो सवाल कितना प्यारा है समझिएगा वट विल बी द चेंज इन इनकम मतलब सरकार ये आपसे पूछ रही है सरकार आपको ये कह रही है कि मैं एक हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट तो मैं ला दूंगा मैं एक हजार करोड़ का इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा एम हमें पता है अपने देश का कि जीरो पॉइंट सेवन फाइव है लेकिन सरकार आपसे पूछती है तो इससे लोगों की इनकम कितना हो जाएगी इनकम में क्या चेंज आ जाएगा तो एक सवाल मेरे सामने है कि अगर एक अर्थव्यवस्था में हजार करोड़ का निवेश किया जाए और उस अर्थव्यवस्था में एम पी जीरो पॉइंट सेवन फाइव है तो उस अर्थव्यवस्था के आय में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी सवाल ये और उस अर्थव्यवस्था की आय कितना बढ़ जाएगा दूसरा सवाल ये तो उस अर्थव्यवस्था की आय में चार गुना वृद्धि हो जाएगी और दूसरा उस अर्थव्यवस्था की आय चार करोड़ रुपए हो जाएगी तो देखिएगा कैसे आप अपने इकोनॉमी के बारे में पहले ही आप आइडिया लगा सकते हैं इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी अगला सवाल क्या है हमारा अगला सवाल हमारा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एम पीसी जीरो बहुत सवाल है जब एम आपका क्या है जीरो है तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या वन है जो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता बट जब वैल्यू दे दिया तो आप निकाल कर बता दो और जब जीरो होगा तो इनफिनिटी होगा ठीक है छोटे छोटे सवाल पेपर में आ जाते हैं शेल बी द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इफ इन्वेस्टमेंट चेंज फ्रॉम हंड्रेड करोड़ टू टू फिफ्टी करोड़ मैं इसको क्रॉप करता हूं पहले करोड़ एन मार्जिन भैया नहीं तो आप क्या करेंगे हमें पता आप क्या करने वाले हैं आप करोगे जी इस सवाल को करेंगे चलिए आप करिए पहले इस सवाल को डन चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको वर्ट शेल वही सवाल एक वही सवाल आपसे तो पूछ लिया है कि भैया आपकी जो है इन्वेस्टमेंट हंड्रेड करोड़ टू टू फिफ्टी हो गए टू है बेटा टू का मतलब क्या होता है यहां से यहां पहुंच गए तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ ये बताएंगे ना आप सो से ढाई सौ करोड़ तक पहुंच गए तो मतलब वन फिफ्टी करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हुआ ठीक है और एम हमारे पास में क्या है एम पी इक्वल्स टू जीरो करोड़ है रुपीज है एम अब आप यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन एंड के एकवल्स टू वन अपॉन जीरो पॉइंट वन और सॉल्व करेंगे टेन हमारा के की वैल्यू आ गई अब हमारे पास में के का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई तो के क्या है मेरे पास में दस है और डेल्टा वाई मेरे पास पे कितना है 150, डेल्टा आई कितना है? 150 करोड़ है. तो कितना हो गया जी? 1500 करोड़ का जो है इकोनॉमी के अंदर चेंज आ जाएगा इनकम के अंदर बात समझे या नहीं समझे शानदार सवाल है प्यारा सवाल है खूबसूरत सवाल है आप लोगों की तरह ही कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के मैं अगली कक्षा में प्रस्तुत होऊंगा ठीक है

चलिए सेम सवाल हो जाएगा कंजम्पशन फंक्शन क्या दिया हुआ आपको आपको हंड्रेड करोड़ है और प्लस मैं यही फाइनल रखूंगा जीरो पॉइंट सिक्स वाई एम है तो आपको सेविंग फंक्शन पूछ रहा है तो वाई इक्वल्स टू क्या होता है सी प्लस एस होता है तो वाई माइनस क्या करोगे सी करोगे तो एस आ जाएगा क्लियर है और आपको पता है कि वाई और माइनस सी क्या मेरे पास में हंड्रेड प्लस जीरो यही है या नहीं है बताइए जरा क्लियर है बात समझे और इक्वल टू क्या आ जाएगा ऐसा आ जाएगा यही होता है या नहीं होता है बताइए जरा क्लियर है कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए अब आप सॉल्व करेंगे यहां पर हम वाईक्वल्स टू माइनस हंड्रेड और अगर यहां पे बात करूं मैं माइनस जीरो पॉइंट सिक्स वाई इक्वल्स टू एस अब आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपका वन क्या रहा है एक में से जीरो, वाई, तो से और से जीरो फोर वाई बन नहीं बन रहा है खैर मैं तो डायरेक्ट लेना भी सिखा दिया था आप ये बताइए और आपको एस फंक्शन पूछ रहा है ठीक है तो वाईक्वल टू सी प्लस एस होता है तो वाई ये है और सी मैंने माइनस कर दिया सी की वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो आपको पता है कि यही एस फंक्शन डायरेक्ट निकालना जाती है

क्लियर है जी तो एस इक्वल्स टू माइनस हंड्रेड और सॉल्व करेंगे यहां पर तो आपके पास पे कट गया प्लस कितना हो जाएगा 320 और ये एस इक्वल टू माइनस सौ तो कितना जाएगा आपका 220 करोड़ आपका सेविंग आ गया भाई बात समझे या नहीं समझे क्लियर है तो मैंने इससे रिलेटेड तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल की इकोनॉमी तो मैंने खत्म कर दी है अब नेक्स्ट क्लास पे इसकी कुछ थ्योरी है थ्योरी मतलब कि अगले एक दो क्लासेस में हम इसकी थ्योरी को भी कवर कर लेंगे बड़ा यूनिट था कि आपका डिटर्मिनेशन और उसके बाद हमारे पास में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रह जाएंगी इसको हम कवर कर लेंगे आपका कोर्स जो है आ, मैं एंड ऑफ अप्रैल तीस अप्रैल तक खत्म कर दूंगा ठीक है मई के मिड में एग्जाम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेन ईयर ये सब चीज़ें आप अपना प्रैक्टिस करना मैं एंड ऑफ अप्रैल में तीस अप्रैल तक आपका कोर्स को फिनिश कर दूंगा ठीक है जी क्लियर है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मच